दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने आज मुख्यमंत्री तीर्थ यात्री ट्रेन में जाने वाले यात्रियों से मुलाकात की और उन्हें विदाई किया। ट्रेन आज शाम 7 बजे द्वारकाधीश के लिए रवाना होगी। ये तीर्थ यात्रा कुल 7 दिनों के लिए होगी, जिसमें ट्रेन टिकट, खाना पीना, रहना सब कुछ फ्री होगा। तीर्थ यात्रियों को विदा करने से पहले सभी तीर्थ यात्रियों को त्यागराज स्टेडियम में इकट्ठा किया गया था, जहां उन्हें ट्रेन की टिकट, रास्ते के लिए खाना का पैकेट और जूस दिया गया। इस मौके पर भजन का आयोजन किया गया था। भक्त भजन सुनकर खूब नाच गा रहे थे। मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए सभी तीर्थ यात्रियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि जो तीर्थ यात्रा दूर है वो तो ट्रेन से होगी, जो आसपास है जैसे अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार इत्यादि को लग्जरी बस से यात्रा करवाएंगे, क्योंकि ट्रेन मिलने में समय लग जाता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीर्थ यात्रियों के बीच में जाकर मिले और उनसे यात्रा को लेकर बात की। अपने बीच मुख्यमंत्री को पाकर तीर्थ यात्री काफी खुश थे। हमने कुछ यात्रियों से बात की, उन्होंने हमें अपने तीर्थ यात्रा को लेकर काफी खुशी जताई। सभी ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। साथ साथ कुछ यात्रियों की शिकायत थी कि हमने पति पत्नी यात्रा के लिए बुकिंग की थी, लेकिन पत्नी का नाम आ गया और पति का नाम नहीं आया। ये ठीक नहीं है, जब भगवान हमारी जोड़ी बनाकर भेजे तो यहाँ कैसे अलग कर सकते हैं। शिकायत और प्रशंसा के बीच त्यागराज स्टेडियम से रेलवे स्टेशन जाने के लिए तीर्थ यात्री निकल गए। फार्म कट्ठे भरे थे मेरे हस्बैंड ने मन, लेकिन उनका तो पहली ट्रेन में आ गया, वे नहीं जा सके किसी के साथ, और अब मेरा अकेली का आ गया। अब मैं इसने ले आई हूँ बिनके पेपर छोड़ कर, मैंने सोच रही थी दोनों का, अगर दोनों कट्ठे फार्म भरे तो दोनों का साथ होना चाहिए, अलग अलग क्यों पाड़े, जो भगवान ने भी जोड़ी बना रखी है तब आइए, फार्म वाला ने क्यों पाड़िया जोड़ी। नहीं आया भाई आपका, क्यों आया? हाँ मेरा आया है। मैम अपनी पोती ने ले आई हूँ, इनकी कोचिंग चल रही थी, इनकी कोचिंग छुटवा का आई हूँ मैं, ये मेरी पोती साथ में भाई। बात मेरा नाम गीता, बहुत अच्छा करा, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे जिंदगी में, और हमें इतनी अच्छी यात्रा दी है केजरीवाल ने, बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए कि हमारे लिए बहुत सुविधा कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर बहुत सारी सुविधा करी है, हर चीज़ फ्री, पहली यात्रा बजा रही हूँ भाई। आज खुद आपसे मिलने भी आए थे? हाँ, बहुत अच्छा करा, हमें बड़ी मन में बहुत खुशी हुई है कि जो इतने बड़े उनसे मिले हैं हम, बहुत अच्छा लगा। कितने लोग जा रहे हैं? हम चार, मैं तो अकेली हूँ घर से। कहाँ से आई हैं? भागीरथी बैर से। कब अप्लाई किया था आपने? एक ये 9 महीना से हो गए, 9-1 साल हो गए। कितनी खुशी है? बहुत खुशी रही है, मेरा अभी थोड़ा भाई ख़त्म हो गया, इस वजह से बहुत खुशी रही है। लीला देवे। नाम क्या है आपका? लीला देवे। लीला जी कितनी खुशी है आज बताइए। मैं समझ गई, तीर्थ यात्रा पे जा रही हैं आप जी? हाँ। इस तरह की सुविधा दी गई है, हाँ। कितनी खुशी है? खुशी है बहुत। आप ये पहली बार? हाँ। मैं दिल्ली से तीर्थ यात्रा पे जा रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। हर घर में ऐसा बेटा हो जो अपने बुजुर्ग माता पिता को दर्शन कराए, उनको तीर्थ करा के लाए, ताकि उन्हें किसी चीज़ का मन में ये ना रहे कि हम मरेंगे तो कहाँ जाएंगे। ये तीर्थ यात्रा जो जा रही है दिल्ली से, कहाँ पे आप जा रही हैं? आप कितने दिन की यात्रा है ये? 7 दिन की है। द्वारकाधीश जा रही है, सोमनाथ जा रही है, नागेश्वर जा रही है। वहाँ पर जाने के, एक तो सावन का महीना, ऊपर से पुरुषोत्तम मास, इसलिए हम लोग वहाँ पर जाना बहुत पसंद करेंगे। पुरुषोत्तम मास खत्म हो रहा है, मैं द्वारकाधीश के दर्शन करने जा रही हूँ। अपना नाम बता दें। जय चंद। जय चंद जी कहाँ से आए हैं? नांगलोई जाट से। हाँ मिले, बहुत बढ़िया लगा हमें, बड़ा अच्छा लगा, और ऐसा भगवान उनको और भी मौका दे ताकि और लोग भी जाएं भगवान के दर्शन। मैं तो अकेला हूँ साहब, दुख मिलने की बड़ी इच्छा थी, केजरीवाल तो वहीं से चले गए। मैं तो दो बात कहनी थी, एक रोड बनवा दे, एक टैक्स ना कम कर दे। अब जितने भी हम पार्कों में बैठे थे, हम तो आ रहे थे, हमने अपनी खुशी जाहिर करी, लेकिन जो नई लेडी जा रही है उनने तो मुंह मोड़ दिया। अगर तुम अब मारे पैसे, अपने पैसे से जा रही हो,
टैक्स तो इतना कटवान लग रहा है। एसी बस तो चला दी बहुत अच्छा, लेकिन वे रोड तक इतने खराब है ना, चल भी नहीं पा रही। आज बड़े खुश है, बहुत खुश, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। से पहले इस देश में बढ़िया योजना चलाई चौधरी देवीलाल ने हरियाणा स्टेट में, आज वह सारे इंडिया में है और देशों में भी। केजरीवाल ने चलाई दिल्ली में, दिल्ली के बुजुर्ग आदमी इनको कितना आशीष दे रहे हैं। इनकी 67 सीट आउट ऑफ 70, नेक्स्ट टाइम में आउट ऑफ 70 होंगी। हर एक दिन ये दिल्ली के CA वो बने PM, और सारे भारत में या ट्रेनें चलेंगी, सब बुजुर्ग घूमेंगे। ये मेरे हार्दिक शुभकामनाएं है। आई एम रिटायर्ड एज लेक्चरर, आई प्रे टू गॉड द केजरीवाल विल बिकेम ए प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया।